Hello, student. This is your biology class, and this is your biology book for class 10. Open your book, page number 101, the first chapter of 9th class Biology Life Process. In last class, you have been studied about nutrition, types of nutrition, and nutrition in plants and nutrition in animals. Now, we are going discuss about respiration. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन फूड से एनर्जी को रिलीज़ होने की जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन कहलाती है जैसे कि यह इक्वेशन में दिखाया गया है फूड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सी ओ टू फॉर्म करता है वाटर एंड एनर्जी को फॉर्म करता है तो जो फूड से हमें एनर्जी फॉर्म हुई या एनर्जी मिली उस एनर्जी को रिलीज़ होने की जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन कहलाती है ठीक है रेस्पिरेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं द एसीमुलेटेड फूड इज़ यूज मेनली फॉर टू पर्पज़ जो फूड का एसिमिलेशन है वो टू पर्पज़ से मेनली होता है फर्स्ट एसीमुलेटेड फूड इज़ यूज एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइक लाइफ प्रोसेस कि जो फूड है हमारी लाइफ प्रोसेस है बहुत सारी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जो हमें फ्यूल की नीड होती है उस नीड को फिल फुलफिल करने के लिए फूड के एसीमुलेशन की नीड होती है नेक्स्ट एसिमुलेटेड फूड इज़ यूज एज अ मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी और जो एसिमुलेटेड फूड होता है वो ऐसे मटेरियल के लिए भी हम यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ एवं रिपेयर करने में हेल्प करता है रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी

उस एनर्जी को बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट था मीन सी ओ टू एंड एस टू ओ को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया एनर्जी यूटिलाइज़ कर ली एंड सी ओ टू और एस टू ओ को बॉडी से रिमूव कर दिया तो ये जो डेफिनेशन है या इस तरीके की जो प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन मेनली टू टाइप के होते हैं एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनओरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो ये टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ओटू जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ओटू की प्रेजेंस में होगा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड एन एरोबिक रेस्परेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ सी ओ टू जो एनारोबिक रेस्परेशन होगा वो सीओ ओ सॉरी अप्सेंस ऑफ ओ टू वो ऑक्सीजन की अप्सेंस में होगा सेकेंड पॉइंट अकर इन माइटोकॉन्डिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्डिया में कंप्लीट हो, होता है अकर इन साइटोप्लाज्म जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट आर सी ओ टू एंड एस टू इसमें इस प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो सी ओ टू एंड एस टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट होंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी एंड एरो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ़ एनर्जी इज रिलीज इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी इसमें मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर ए टी पी के थर्टी एट मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे एनर्जी के जो मॉलिक्यूल हैं वो थर्टी एट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज होंगे और एन एनऑपिक रेस्पिरेशन में ए टी पी के ओनली टू मोलिक्यूल रिलीज होंगे इसी वजह से इसमें लेस एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर मोर एनर्जी रिलीज होगी नेक्स्ट टॉपिक इज मेकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें इंस्पिरे सॉरी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इसमें ड्यूरिंग इनहेल ड्यूरिंग इनहेलिंग द थोरेसिक कैविटी एक्स सॉरी ड्यूरिंग इनहेल इनहेलसन द थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड इसमें थोड़ा सी कैबिटी क्या होगी स्पेंड होगी और इसमें जो थोड़ा सी कैबिटी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी इंस्पिरेशन का मतलब हो इसमें यहाँ पर हम इस प्रोसेस में हम ब्रीथ को एयर को अंदर लेंगे ठीक है मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में लेना और एक्सपारेशन मतलब सीओ टू को बॉडी से रिमूव करना ठीक है तो यही रीजन है कि यहां पर जो बॉडी जो थॉरसिक कैबिटी होगी वो एक्सपेंड होगी यहाँ पर जो थॉरसिक कैबिटी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो, हो, हो जाएगी डायफ्राम विकम फ्लैट इन शेप इसमें डायफ्राम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा और इसमें डायफ्राम विकम डोम इन शेप जो डायफ्राम होगा वो डोम लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक बैकग्राउंड ऑफ ग्लूकोज बाय बैरियस पाथवे जो ग्लूकोज का है वो अलग अलग पाथवे में ब्रेक डाउन होना तो उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है जो फर्स्ट स्टेप होगी वो में होती है ठीक है साइटोप्लाज्म में क्या होगा जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो पायर्वेद के साथ अप्सेंस ऑफ ओ टू ओटू की अपसेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे एथेनॉल सी ओ टू एंड एनर्जी को रिलीज करेंगे ठीक है तो जो साइटोप्लाजे प्रोसेस होगी वो ग्लूकोज और पायरुविट के साथ अब्सेंस ऑफ ओ टू में एथेनॉल फॉर्म होगा सी ओ टू एंड एनर्जी एनर्जी के टू मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे नेक्स्ट मसल्स में जो प्रोसेस होगी मसल्स में ग्लूकोज और पायरुविद अब्सेंस ऑफ ओ टू ये भी जो प्रोसेस होगी वो ओ टू के अप्सेंस में होगी और इसमें जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और एनर्जी यहाँ पे एनर्जी के टू प्रो टू मॉलिक्यूल में मिलेंगे इसमें एथेनॉल यहाँ पर लैक्टिक एसिड यहाँ पे सी ओ टू यहाँ पर सी ओ टू अपजेंट हो गया और एनर्जी के टू मॉलिक्यूल इसमें भी एनर्जी के हमें टू मॉलिक्यूल मिल रहे हैं नेक्स्ट जो थर्ड होगा ब्रेकडाउन वो माइट्रोकॉन्डिया में होता है तो इसमें भी ग्लूकोज और पायरुवेट ये प्रेजेंस ऑफ ओ टू ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा इसमें सी ओ टू एस टू हो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल एंड एनर्जी फॉर्म होगा लेकिन यहाँ पर एनर्जी में ए के थर्टी मॉलिक्यूल रिलीज होंगे यही रीजन है कि माइट्रोकॉनिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो ए टीपी के इसमें जो मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं वो थर्टी एट ठीक है ब्रेकडाउन हो गया तो फर्स्ट स्टेज साइटोप्लाज्म में होगी सेकंड मसल्स में और थर्ड माइक्रोकॉनिया में जो साइटोप्लाज्म में होगी उसमें ए टीपी के टू मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एनर्जी के टू मॉलिक्यूल मसल्स में होगी उसमें भी एनर्जी के टू मॉलिक्यूल होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के थर्टी एट मॉलिक्यूल रिलीज होंगे अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो एक पाथवे है पाथवे जिसमें जिससे एयर जो है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करती है तो वो पूरा आपका एक पाथवे क्रिएट होगा तो कैसे पैलानोस्ट्रल देन नेजल कैविटी फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकी ब्रोंकी लंग्स ब्रोंकियोल्स एल्वुलर सेक एंड ब्लड कैपलरीज इस तरीके से जो हम, हम एयर जो है वो हमारी बॉडी में इस पाथवे के थ्रू एंटर करती है नेज़ल पैसेज बोलो या नोस्ट्रेल नेजल कैब्टी देन फैरिंग्स दैन लेरिंगस ठीक है ट्रैकी ये वाला जो पोर्शन होता है वो ट्रैकी प्रॉन्की ये जो प्रोसेस हैं स्मॉल ठीक है ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स एल्व्यूलर सेक ठीक है लंग्स और इसके बाद में जो एयर है वो हमारा एक तरीके से ब्लड सेल्स में पहुंच जाती है नाउ यू हैव रीड पेज नंबर नाइन्टी पेज नंबर वन जीरो वन वन ज़ीरो टू वन ज़ीरो थ्री एंड वन ज़ीरो फोर In next video you will be studied about transportation thank you